शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा दिल बोला कुकुड़ू कुकुड़ू। क्या ये कोई नया भक्ति गीत है बेटी? कुकुड़ू मेरा। आप पुजारी जी, मगर आप इसे नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए मन में उमंग होनी चाहिए, प्यार की तरंग होनी चाहिए और उम्र की पतंग होनी चाहिए। पुजारी जी, मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब बस फटाफट अपने भगवान से कहकर कुछ चक्कर चलवा दो ना प्लीज। आज सोमवार का दिन है, तुम 7 सोमवार आकर लगातार यहाँ पूजा करोगी तो जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सच? प्रभु की महिमा पर शक नहीं करते बेटी? सॉरी। अरे वाह, ये तो पहले सोमवार ने ही असर करना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अच्छा, अकेले? नहीं, माँ के साथ, लेकिन वो अलग आती है। अलग क्यों? वो यहाँ बहू मांगने आती है और मैं नौकरी। ओ, माँ जी की मनोकामना तो पूरी हो गई, बहू तो समझो मिल ही गई। मैं अपने सोमवार तुम्हारी नौकरी के लिए रखूंगी। एक मिनट, बहू मिल गई मतलब? हाँ, मैं। क्यों पुजारी जी, हमारी जोड़ी कैसे लग रही है? नारी कितनी लज्जाहीन हो गई है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सुना, मैं राधा, तुम किशन, चलो कहीं चलकर बैठते। पहले मुझे एक जरूरी फोन करना है। अरे कुछ अता पता टेलीफोन नंबर? मेरे डैडी एसीपी चौधरी है। तुम्हारा टेलीफोन नंबर तो मैं ढूंढ ही लूंगी। हाँ, जरूर मिलूंगा। हाँ, विजय भाई। अबे जल्दी करना यार, 2 मिनट यार, 2 मिनट के आधा घंटा हो गया। हेलो, फौरन इलाज कीजिए, बचाइए इसे। मगर हुआ क्या इसको? पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी में आकर कुचल कर चले गए। बचाइए इसे डॉक्टर। एक्सीडेंट का केस है। गुप्ता, पुलिस स्टेशन को फोन करो। डॉक्टर, पुलिस के आने तक ये आदमी मर जाएगा। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो विशाल, छोड़ दो इसे। देखो देखो, ये भी इंसान है, इसके अंदर भी जान है। ये मर गया। देखो, जो तुमसे गलती हुई है उसे मानो। हाँ, मुझसे गलती हुई है। एक आदमी मेरे सामने लहूलुहान तड़प रहा था, मुझसे गलती हुई उसे अस्पताल पहुंचाकर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना विशाल? हाँ माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस आदमी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, जैसे लोगों ने मेरे भाई को छोड़ दिया था, है ना डैड? अगर मेरी जैसी गलती किसी और ने की होती तो आज मेरा भाई मरता नहीं, जिंदा होता वो। ये कहना तो मुश्किल होगा कि यह आदमी बाबा खान का था या मन्ना शेट्टी का। चेहरा तो इसका तेजाब से चला गया सर। वो दूसरी लाश किसकी थी? उसका नाम वामन चौरसिया है सर, पास की शांति नगर झोपड़पट्टी में रहता है। उसके रिश्तेदारों को खबर कर दी है? सर सिर्फ एक ही बेटा है उसका, जो कूपर हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है, उसी के लिए दवाइयां लेने जा रहा था, रोड क्रॉस किया। और ये देखो, ये बाबा खान और मन्ना शेट्टी के बीच में जो पकड़ा है ना? यस सर। ये सब उसी का नतीजा है। यस सर। इसलिए दोनों के आदमियों पर कड़ी नजर रखो। राइट सर। अरे सेठ को बुलाओ, कोई मर जाएगा, मैं सेठ को बुलाओ। अरे रोता कह रहा के जैसा, कुछ नहीं होगा तेरे को, चुप करके बैठ एकदम, लड़की की तरह रोता है। ए भाई सेठ को बुलाओ, देख मर जाएगा, अपन सेठ को बुलाओ। बड़ी बंदा खुलो। मर गया रे, सेठ को बुलाओ।
गोली निकाल दी है, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैर में रॉड बिठाना पड़ेगा। अब ये चल फिर नहीं सकेगा। मतलब लाइफ में मोमेंट नहीं तो कुछ नहीं। सेठ जी मुझे बचाओ सेठ जी। नहीं बाबा नहीं, घबराने का नहीं, सब टाइम एक जैसा नहीं होता, ये सब नेचुरल मोमेंट है। मॉर्निंग इवनिंग नाइट फिर मॉर्निंग, सब टाइम टू टाइम रोलिंग होते रहता है। आदमी को एक एक मोमेंट फेस टू फेस करना चाहिए। तुमने मसूद के चेहरे पे एसिड डालकर बहुत बड़ा काम किया है, अब पुलिस के मूवमेंट का कोई खतरा नहीं। बाबा तेरे 7 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन खेरवाड़ी में कांस्टेबल शर्मा का पहला मर्डर, 19 नवंबर को अरेस्ट हुआ, 3 दिन का रिमांड और 23 नवंबर को जमानत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शर्मा का फाइल बंद। इस पहले मूवमेंट के बाद 7 मर्डर बिना किसी फॉल्ट के होशियारी से किया। बब्बा गवर्नमेंट जॉब मिलने का एज 25 साल, पीरियड 30 साल और रिटायरमेंट 55 में। मगर हमारे धंधे में ना जॉब मिलने का टाइम फिक्स है ना रिटायरमेंट का। मैं तेरे को रिटायर करता हूँ। नहीं सेठ जी मुझे माफ कर दो, सेठ जी मुझे माफ कर दो सेठ जी। नहीं बाबा, मैं तुमको टूटे फर्नीचर की तरह कोने में रखा नहीं देख सकता। नामर्दों की तरह मैदान में पीठ दिखाकर वापस आया हराबी साला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अरे ये तो ऐसा मर्द था जो सिर्फ औरतों के अखाड़े में लंगोटा बांध के उतरता। आज इस हराम शादी की वजह से वो मन्ना शेट्टी अपने सीने को ठोकता होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। वो समझता है कि वो खान से टक्कर लेगा, खान से जिसने उसको इस शहर में पहली रोटी खिलाई, उससे टक्कर। क्या बोलता तुम मना, क्या बोलता तुम हा? हा? ये गोली बारी या खून खराबा क्या मिलने वाला तुमको इससे? इचिन तुकुन पाना। ए अंकल, मन्ना को सिखाने का नहीं, हमको सब पता है, इनको पूरा गोतुंडो। क्या पता तुमको हा? इचिन को तुंडी का आज इसको गोली मारा, कल इसको गोली मारेगा, कल अपने भाई को गोली मारेगा तुम। हाँ मार देगा। ये सब धंधे के एंट्री से पहले मैं सब लोगों को फेस टू फेस बोला था। ए मन्ना तरे समेत जा मार ला आतना, तुम सबको गोली मार देगा, पागल हो गए तुम पागल। ए अंकल, अभी मुंह बंद रखने का, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार देगा। मन्ना शेट्टी एक ही बात जानता है, क्राइम वर्ल्ड के हर चैनल का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। अरे पार्वती, वो मैंने ट्रांसफर रुकवाया था, उसके पेपर कहां पे? मोहिनी की डायरी 629029 नंबर तो जाना पहचाना लगता है। दत्ता मैटरनिटी होम नहीं, मोहिनी की तो शादी भी नहीं हुई अब तक। 629029 ये तो चौधरी साहब के घर का नंबर है, चौधरी साहब के घर का नंबर मोहिनी की डायरी में। डायरी कितने बार कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है, आप भी ना। लेकिन चौधरी साहब का नंबर तुम्हारी डायरी में कैसे आया? सुन मोहिनी, हेलो विशाल है घर पर? आप कौन बोल रही हैं? वो मैं मैं समझ गई। विशाल आया माँ। फोन है तुम्हारा? कौन है माँ? पता नहीं, कोई वो है वो। हेलो क्या हाल है जानी? क्यों तुम सोच रहे ना कि ये नंबर मुझे कहाँ से मिल गया? हा हा हा, सब हो जाता है, बस मोहब्बत का नशा सर चढ़ जाना चाहिए। माँ पुरानी सहेली है, बहुत अच्छी सहेली है। हेलो। क्यों आंटी पास ही खड़ी है क्या? नहीं बैठी है। तो क्या हुआ, तुम उनको बता दो कि तुम अपनी जानशी जाने जिगर जाने मन से बात कर रहे हो। वो तो है। हाँ, क्या सुनो, देखो अपने प्यार की गाड़ी जमाने की रफ्तार के साथ दौड़ानी होगी, इसीलिए फ्यूचर के प्रोग्रेस के बारे में एक इमरजेंसी मीटिंग बहुत जरूरी है। वो माँ
एक बुक के बारे में पूछ रही है। हाँ वो बुक मैंने किसी को दे दी है, पता नहीं। हाँ पता लगाता हूँ, हाँ बताता हूँ मैं। बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उसी जगह मिलूंगी जहाँ हम पहले मिले थे। वैसे ये बुक कोई लव स्टोरी तो नहीं? ऐसी किताब पढ़कर ही तो इतना पसीना आता है। चल बदमाश। क्यों, अपना फटाफट फॉर्मूला काम आया कि नहीं? कैसा फॉर्मूला? देखो ना, चंद मुलाकातों में ही हम एक दूसरे के कितने करीब हैं, वरना यहाँ तो सालों लग जाते हैं नजरें मिलाने में। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। आज के जमाने में ये सब चलता ही नहीं है। आज टकराए, दिल मिले, गले मिले और चुम्मा चुम्मा दे दे। अब कुछ बात समझ में आई, चौधरी साहब का नंबर मोहिने के पास क्यों था? वो चौधरी साहब के बेटे विशाल के साथ गाना गा रही थी। चलो इसे लड़का पसंद तो आया, आखिर उम्र भी तो हो गई है इसकी। अच्छा, जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अचानक उम्र हो गई। जय हो नारी माँ, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अब आप जल्दी से चौधरी साहब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए। आखिर हो ना गुड़ दिमाग, कहाँ वो ACP, कहाँ मैं हेड कांस्टेबल, हम दोनों समधी बनेंगे, सर पर पगड़ी बांध कर गले मिलेंगे। शादी की बात कर लो। डैडी, किसकी शादी? डैडी आप शादी करेंगे? माँ, माँ की सौत लाएंगे आप इस घर में? अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ये विशाल के साथ तूने जो विशाल चक्कर चलाया है ना, उसका कुछ आगे पीछे का सोचा है या नहीं? डैडी मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड़ जरूर आएगा, इसलिए मैंने अपने डायलॉग पहले से तैयार कर लिए हैं। डैडी प्यार अंधा होता है, वो छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं देखता। और फिर मम्मी ये तो हर लव स्टोरी में ऐसा होता है, सेठ करोड़ी मल की बेटी राधा हमेशा छोटे दर्जे के किशन से ही प्यार करती है। मम्मी आपने वो सावन को आने तो पिक्चर देखी है? नहीं बेटी, मैंने तो एक ही फिल्म देखी है, मदर इंडिया। और इसीलिए आप मदर इंडिया जैसे हो गई हैं। डैडी आपने इन्हें रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं दिखाई? आप तेरी फिल्म देख रही है ना, तेरी स्टोरी जो भी हो उसका दी एंड जूनागढ़ में होने वाला।